जरा आप सोचिए क्या होगा जब ह्यूमन बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करना शुरू करेगा। कैसा होगा हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की चीजें, हमारे आसपास के लोग, जब ह्यूमंस हमारे बॉडी को डिकोड करके नए स्पीसीज को बना डालेगा जो दिखने में तो ह्यूमन कम बट एलियन ज्यादा लगेगा। और क्या होगा हमारे बायो लेबोरेटरीज में जब बायो हैकर्स बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के कोरोना जैसे बायोलॉजिकल वेपन तैयार करने में लग जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब तलाशेंगे। हम उस दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे जो 2014 में होगा। ये वीडियो आज से आपका सोचने का तरीका ही बदल देगा, बस इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, जब इंसानियत प्रकृति का साक्षी नहीं बल्कि उसके मालिक बन जाएगी तब शुरू होगा ह्यूमैनिटी एवोल्यूशन का नेक्स्ट फेज, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया। और इस बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में पहला कदम होगा बायो प्रिंटिंग का। बायो प्रिंटिंग एक तरह का 3D प्रिंटर होता है जिसमें मेटल या प्लास्टिक के बजाय लिविंग सेल का यूज करते हैं जिसे बायो इंक कहते हैं। इसमें लिविंग सेल को एक लेयर्स के रूप में प्रिंट किया जाता है जिसकी एक 3D स्ट्रक्चर बनती है। जैसे नॉर्मल 3D प्रिंटिंग में किसी मटेरियल को लेयर बाय लेयर प्रिंट किया जाता है, वैसे ही बायो प्रिंटिंग में लिविंग सेल के ग्रोथ फैक्टर को लेयर्स में प्रिंट किया जाता है। ये लेयर समय के साथ ग्रो करते हैं और आपस में कनेक्ट होकर नया बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और यह बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर लिविंग होता है। दोस्तों, आने वाले कुछ ही समय में किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर, इवन हेयर फॉलिकल्स को भी इसी बायो प्रिंटर द्वारा बनाया जाएगा जो बिल्कुल असली ऑर्गन जैसा दिखेगा और साथ ही काम वैसा ही करेगा। और जिसको इसकी जरूरत हो उसमें ये ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। ये टेक्निक डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को ऑर्गन और टिश्यूज के कस्टमाइजेशन में हेल्प करेगा। आने वाले कुछ ही सालों में इसका जो मार्केट है वो बिलियंस में होने वाला है। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी की इस दुनिया में दूसरा कदम होगा आर्टिफिशियल वूम। आज हम IVF से वाकिफ हैं। IVF को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जब महिला का शरीर एग को फर्टिलाइज करने में कैपेबल नहीं होता है तो उसे लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। इसमें फीमेल के एग और मेल के स्पर्म को मिलाया जाता है। एक बार जब इसके कॉम्बिनेशन से भ्रूण बनता है तो उसे वापस महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये तो है आज की टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ ही सालों में बच्चे को 9 महीने कोख में रखने की जरूरत ही नहीं, हम मशीन में पाल देंगे, तो आप क्या कहेंगे? चलिए छोड़िए, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि आप तय कीजिए कि वो जो बच्चा पैदा होगा वो कितना इंटेलिजेंट तथा गोरा होगा, उसकी आंखों और बालों का रंग कैसा होगा, तो शायद आप सोचने पे मजबूर ही हो जाएंगे और बोलेंगे क्या ये सब पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं, ये आने वाले कुछ ही टाइम में पॉसिबल है। दोस्तों, आने वाले कुछ ही सालों में आपको आर्टिफिशियल वूम्स मतलब आर्टिफिशियल गर्भाशय देखने को मिलेंगे। इस आर्टिफिशियल गर्भाशय में बच्चों को रखकर वैसे ही देखभाल की जाएगी जैसे माँ के कोख में बच्चा रहता है। उसके खाने पीने से लेकर उसके सेहत का ख्याल रखा जाएगा। जिस आर्टिफिशियल गर्भाशय में बच्चा रखा जाएगा उसे ग्रोथ पॉड कहते हैं। ग्रोथ पॉड्स में बच्चों को रखकर पूरे 9 महीने उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी जिसको आप लाइव देख सकेंगे। ये उनके लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी साबित होगी जिनके बच्चेदानी को सर्जरी द्वारा हटा दिया गया है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी उन कंट्री के लिए भी वरदान साबित होगी जो पॉपुलेशन कोलैप्स से गुजर रहे हैं, जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया या स्पेस में कोलोनाइजेशन के लिए भी इसका यूज किया जा सकेगा। आर्टिफिशियल वर्म्स का सबसे अच्छा यूज स्पीसीज रिवाइवल में कर सकते हैं। जैसे शायद आपको याद होगा 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी क्योंकि इंडिया में 1914 से ही चीता की प्रजाति विलुप्त हो गई थी। इसके बाद से चीता कभी नजर आए ही नहीं। 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया था और प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 में 20 चीता को अलग अलग कंट्री से लाया गया जिनकी प्रजाति विलुप्त हो गई थी। केवल चीता ही क्यों, सुमात्रा गेंडे, पिक हेडेड डक, मलावार सिवेट, हिमाली बटेर, भारतीय अरोज की प्रजाति भी अब खतरे में है। दोस्तों, फ्यूचर में इन सभी प्रजाति को आर्टिफिशियल वूम द्वारा बचाया जा सकेगा। दोस्तों, आने वाले कुछ ही समय में हमें $multi-trillion इंडस्ट्री वाले बायो हाइब्रिड रोबोट देखने को मिलने वाले हैं। मतलब तीसरा कदम बायो हाइब्रिड रोबोट का होगा। ये ऐसे रोबोट होंगे जिनको बायोलॉजिकल टिश्यू से बनाया जाएगा ताकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल तथा एनर्जी इफिशियंट बन सके। ऐसे बायो हाइब्रिड रोबोट में इमोशन के साथ साथ सेल्फ डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी होगी। एक इंडियन कंपनी ने तो इस पे काम करना भी शुरू कर दिया है। ये कंपनी बायोमिमेटिक रोबोट्स डेवलप कर रही है
जो नेचर के साथ घुल मिल सकते हैं और गिरगिट की तरह अपना रूप भी बदल सकते हैं, और यहाँ तक कि वे जानवरों के साथ बातचीत मतलब कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये बायो रोबोट्स एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग तथा बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए सही साबित होंगे। इतना ही नहीं, बायो हाइब्रिड रोबोट का यूज स्पेस रिसर्च में भी किया जाएगा। वे कई वर्षों तक अंतरिक्ष में रह सकते हैं और उन्हें वहीं छोड़ा भी जा सकता है। साथ ही बायो हाइब्रिड रोबोट ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। बायो हाइब्रिड रोबोट के कुछ और भी फायदे हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर तबाही के बाद रेडिएशन से बचने और मानवता को बचाने के लिए बायो हाइब्रिड रोबोट कारगर साबित होंगे। वे रिसोर्सेज की खोज करेंगे तथा जीवित बचे लोगों को बचा सकते हैं और खतरनाक रेडिएशन की सफाई भी कर सकते हैं। लेकिन टेंशन इस बात का है कि फ्यूचर में इसको वेपन की तरह यूज किया जा सकेगा। एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ खतरनाक बायो हाइब्रिड एनिमल्स को तैनात कर सकेगी, जबकि एडवांस बायो हाइब्रिड रोबोट तेजी से हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस पैदा करने में कैपेबल होंगे, जिससे मानवता खतरे में पड़ सकता है। इस रोबोट का डिजाइन इतना रियल होगा कि इसे पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जा सकेगा। जासूसी के लिए पक्षी की नकल करने वाले बायो हाइब्रिड रोबोट बनाया जाएगा, जिसे इंसान तो दूर की बात, कोई मशीन भी नहीं पकड़ पाएगा। बायोटेक्नोलॉजी की इस दुनिया में चौथा कदम होगा साइबरनेटिक्स का। जिस तरीके से अल्स के डिट में हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर, ब्लड शुगर को मॉनिटर करने के लिए ग्लूकोमीटर या कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऐप का यूज किया जाता है, वैसे ही आने वाले कुछ ही सालों में साइबरनेटिक्स के फील्ड में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स को बायो प्रिंटेड पीसेस जैसे कि किडनी, हार्ट, लंग्स में इम्प्लांट किया जाएगा, जो नेचुरल ऑर्गन से भी ज्यादा एडवांस होंगे। जैसे कि बायोप्रिंटेड लंग्स में सेंसर्स या फिर नैनो फिल्टर्स का यूज किया जाएगा। ये सेंसर और नैनो फिल्टर्स एयर से टॉक्सिक को ब्लड सिस्टम में एंटर करने से पहले ही रिमूव कर देंगे, जिससे बीमारियों से लड़ने में सहायता मिलेगा। दोस्तों, आंखों में जूम बेस्ड टेक्नोलॉजी या फिर इंफ्रारेड विजन होगा। ब्रेन में माइक्रोचिप का यूज किया जाएगा ताकि डेटा को स्टोर किया जाए, यहाँ तक कि डीएनए को स्टोरेज डिवाइस बनाया जा सकेगा। लेकिन इस फेज में बायो हैकर्स पहले से ही एक कदम आगे रहेंगे। आपने कई सारे मूवी में देखा होगा कि किस तरह पेसमेकर को मैनिपुलेट किया जाता है, उसी तरह आने वाले समय में बायो हैकर्स द्वारा ह्यूमन ब्रेन में लगी चिप को इजिली हैक या मॉडिफाई किया जा सकेगा, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी के इस दुनिया में नेक्स्ट फेज होगा जीन एडिटिंग का। बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में जीन एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जीन एडिटिंग एक टेक्निक है जिसमें डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस किया जाता है, और इसके लिए क्रिस्पर कैस 9 जैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। दोस्तों, क्रिस्पर कैस 9 एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी ओरिजिनली बैक्टीरिया से आई है, जो उन्हें वायरस से बचाता है। कैस 9 एक प्रोटीन है जो इस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, और ये डीएनए को कट करने की कैपेबिलिटी रखता है। जब कैस 9 किसी स्पेसिफिक जीन के साथ कंबाइन होता है, तो वो उस जीन को कट करके मॉडिफाई कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज डिजीज के ट्रीटमेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए या एनिमल में डिजायर क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आने वाले कुछ ही डिकेड में आपको बायोल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे। बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रकार का नेचुरल लाइटिंग प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि फायरफ्लाइज, सर्टेन जेलीफिश, सी क्रिएचर्स और इवन ये कुछ फंगी और बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें स्पेशल केमिकल्स कंबाइन होकर लाइट इमिट्स करती है। आने वाले समय में ये बायोल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी स्ट्रीट लाइट को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। आपको पेड़ पौधे में इसका जलवा देखने को मिलेगा। इवन इसका यूज एनिमल तथा ह्यूमन में भी किया जाएगा। इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशंस काफी डाइवर्स है। एक तरफ इसका यूज रिसर्च में होता है, जैसे कि साइंटिफिक इस फेनोमेना को स्टडी करके नए लाइटिंग सोर्स और इमेजिंग टेक्निक डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा बायोल्यूमिनेसेंस मेडिसिन में भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में इमेजिंग और मॉनिटरिंग के लिए। टेक्नोलॉजी में भी बायोल्यूमिनेसेंस का यूज बढ़ रहा है। कुछ कंपनीज ने बायोल्यूमिनेसेंस लाइटिंग को डेवलप किया है, जो ट्रेडिशनल लाइटिंग के मुकाबले में एनर्जी इफिशियंट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। फ्यूचर में रिसर्चर्स और इनोवेटर्स इस नेचुरल फिनोमेना को और डीपली एक्सप्लोर करके इसका यूज और एप्लीकेशन को और भी वाइड कर सकेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे।